दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार और आज मैं आप लोग पढ़ाने जा रहा हूँ 10वीं क्लास की मैथ प्रश्नावली 13.1, जिसमें यह पूछा गया है। प्रश्न 8वें में ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और ब्याज 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी ब्याज वाला एक शंकुआकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जैसे कि इस सवाल में पूछा जा रहा है कि 2.4 और ब्याज 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन बनाना है, हमें बस उतना ही लिखना है जितना इस सवाल में पूछा गया है। तो हमें एक बेलन तैयार करना है, तो हम बेलन बना लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से हमने एक बेलन बनाया है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 2.4। बेलन की ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और इसका ब्याज कितना दे रखा है? 1.4 सेंटीमीटर दे रखा है। अब ये क्या कह रहा है कि इसी बेलन यानी कि इसी ऊंचाई और इसी ब्याज वाले एक शंकुआकार खोल काट लिया जाता है। तो हम शंकु बनाएंगे इसी बेलन की ऊंचाई के आकार का शंकुआकार जो भाग है वो इसे काट लिया जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से काट लिया जाता है। तो मैं सही से इसको दिखा देता हूँ ताकि समझ में आ जाए कि कहाँ इसका शंकु है। तो बेलन के अंदर इसको हमें शंकु को बनाना है, क्योंकि इसमें काटने की बात कर रहा है शंकु को, तो बेलन के अंदर से ही काटना है इसको। हम इसको ऊपर नहीं बनाएंगे, वो नहीं रखा हुआ है इसके ऊपर। तो शंकु का हमने इस तरीके का आकार बना दिया है। अब हमें क्या करना आगे कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम निकालना है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा? पहले लगेगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने क्यों लगाया? इसमें कुल क्षेत्रफल क्यों नहीं लगाया? वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि देखो ऊपर से खुला हुआ है, इसलिए। अगर ऊपर बंद होता तो हम कह देते कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। तो इसलिए हमने क्या लगा दिया? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि हमें इसके चारों तरफ का ही निकालना है, बेलन के चारों तरफ का। उसके बाद हमें क्या प्लस करना है? बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें प्लस करना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी नहीं लगेगा, क्योंकि देखो ये भी ऊपर से खुला हुआ है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसके शंकु के चारों तरफ का ही निकालना है। तो क्या आ जाएगा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर इसमें क्या हो जाएगा? बेलन के आधार का क्षेत्रफल। देखो ऊपर से तो खुला हुआ है लेकिन नीचे तो खुला हुआ नहीं है ना, नीचे तो ये बंद है। तो बेलन का क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। देखो बेलन का आधार जो किसके बराबर है? वो वृत्त के, यानी कि वृत्त ही तो बन रहा है। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल लगेगा, ठीक है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तीन फॉर्मूले इसमें लगेंगे। अब देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वक्र के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πRh। फिर इसमें क्या प्लस करेंगे? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि πRL। फिर इसमें क्या प्लस करेंगे? बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो πr², ठीक है, आधार का क्षेत्रफल। क्योंकि देखो आधार इसकी हमें वृत्त जैसा दिख रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल भी तो यही होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल लगा दो, या आधार और क्षेत्रफल तो एक ही हो गया वृत्त का। अब हमें क्या निकालना है? देखो बेलन में हमें क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए और ऊंचाई चाहिए, रेडियस और ऊंचाई। तो हम लिखेंगे बेलन की, पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। बेलन का व्यास कितना दे रखा है? 1.4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसकी त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब आधा करना है, त्रिज्या होता है आधा। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.7 आ जाएगा, यानी कि जो इसकी त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब उसमें हमें क्या करना है?
अब आगे देखेंगे। अब इसमें आगे पूछा गया है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु की त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, हम तो लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, तो ये भी कितना हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। फिर देखो क्योंकि देखो यहाँ पे बेलन बेलन की बेलन का जो ब्याज है वही शंकु का ब्याज है, तो अगर बेलन की त्रिज्या आधी है यानी कि 0.7 है तो शंकु की भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 0.7 ही हो जाएगी, दोनों की त्रिज्या बराबर हो जाएगी। अब हमें चाहिए एल, शंकु की एल, एल मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, यानी कि ये वाली लाइन लेटी हुई जो लाइन होती है उसको बोलते हैं, इस वाली लाइन को बोलते हैं, ये वाली जो लाइन है ठीक है, ये जो तिरछी जो लाइन गई उसको तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई जिसको हम क्या बोलते हैं एल भी इसको बोल सकते हैं, तो वही हमें निकालनी है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे अभी बताएंगे, पहले लिख लेते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल, ये तो हमें पता नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे। देखो अब ये तो हमें लाइन पता नहीं है इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी, लेकिन देखो 2.4 बेलन की ऊंचाई है तो ये भी तो शंकु की ऊंचाई भी तो 2.4 हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी ये भी हो जाएगी 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि ये बेलन की ऊंचाई बराबर शंकु की ऊंचाई है ठीक है। तो यानी कि देखो ये दोनों ये साइड हमें मिल गई है और ये भी त्रिज्या दे रखी है 0.7, तो अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, पाइथागोरस से ये साइड वाली निकाल सकते हैं सेलेंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो हम इसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे पाइथागोरस वाला यानी कि एल स्क्वायर, तो एच स्क्वायर प्लस का आर का स्क्वायर, एल तो हमें पता ही नहीं है, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई तो पता ही नहीं हमें, वही तो निकालना है। और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है देखो 2.4 दे रखी है, 2.4 तो 2. कितना हो जाएगा 4 इसका स्क्वायर पे त्रिज्या यानी कि ये 0.7 शंकु की त्रिज्या लगा देंगे 0.7 या बेलन की त्रिज्या बात देखिए एल का स्क्वायर 2.4 को हम 2.4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2.4 को अगर हम 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 5.76। फिर उसके बाद 0.7 को 0.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है ना ये, तो हम स्क्वायर ही कर देते हैं तो 0.49 आ जाएगा। फिर अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं 5.76 को प्लस करना है, उसके बाद हमें क्या प्लस करना है 0.49, तो कितना आ जाएगा दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 9, 6, 15, 1 हासिल 7, 4, 11, 1 हो जाएगा 12, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा नीचे 5 का और 1 हो जाएगा 6, 1 हासिल था तो 6 हो जाएगा, तो 6. कितना हो जाएगा 25। अब हम इसका रूट जब बाहर निकालेंगे तो रूट हम बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा ये 2. इतना आ जाएगा 2.5 हमारा हो जाएगा ये, तो हमारी तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई है 2.5 आ गई। तो हम क्या करेंगे फॉर्मूला लगाते हैं अब इसका, जैसा पूछा गया सब कुछ तो निकाल ही लिया, पाई की जगह 22/7, जहां भी पाई पूछा जाएगा ना तो हमेशा पाई की जगह 22/7 लिखना है किसी भी सवाल में। तो अब हमें क्या करना है इसमें, तो ये हो जाएगा आर त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 0.7 जो हमने निकाल रखी है, फिर इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेलन की ऊंचाई 2.4 है, 2.4 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई ठीक है, बेलन की ऊंचाई 2.4 देखो ये दे रखा है इसमें बेलन की ऊंचाई। फिर उसके बाद ठीक है अब हमें चाहिए पाई, शंकु में आ चुके हैं हम शंकु वाले फॉर्मूले में, तो शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 0.7, शंकु की त्रिज्या 0.7, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल कितनी हो जाएगी 2.5 ठीक है, 2.5 प्लस ठीक है, यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं ताकि पता चलेगा कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला खत्म हो रहा है या शुरू हो रहा है। उसके बाद हमारा ये आ गया शंकु बेलन के आधार की आधार का क्षेत्रफल, तो पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर है तो हम 0.7 ठीक है 0.7 ये दोनों लगाएंगे, क्योंकि देखो
इसकी आधार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 हो जाएगी, क्योंकि ये शंकु की त्रिज्या के बाद, शंकु की त्रिज्या 0.7 है तो ये हमारे आधार की त्रिज्या होगी। ये त्रिज्या शंकु की त्रिज्या या तो फिर बेलन की त्रिज्या, तो ये हो जाएगी हमारे आधार की त्रिज्या। तो सिंपल ही है, तो 0.1 से ये कट जाएगा, 0.1 फिर 0.1 फिर 0.1 ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 5 दूनी 44, 44 × 0.1 × 2.4 प्लस 22 × 0.1 × 2.5 प्लस 22 × 0.1 × 0.7। अब इन दोनों को गुना करेंगे, 44 को 0.1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 4.4 फिर गुने में 2.54 प्लस 22 को 0.1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.2 फिर 2.5 बचा हुआ है, फिर दोनों को गुना करेंगे तो 2. कितना हो जाएगा 2.2 तो 0.7। अब हम दोनों को गुना करेंगे, 0.4 को करेंगे गुना 2.4 से तो कितना हो जाएगा ये 10.56 हो जाएगा, 10.56 ये प्लस 2.4 को गुना करेंगे 2.2 को गुना करेंगे 2.5 से तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5.50 आ जाएगा, फिर 2.2 को गुना करेंगे 2.2 को गुना करेंगे 0.7 से तो कितना आ जाएगा ये, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.54। अब सबको प्लस कर देंगे, ठीक है, तीनों फॉर्मूले हमने सोल्व कर दिए हैं तब हम सबको प्लस कर देंगे, तो यहाँ प्लस कर देते हैं इस जगह पे, तो 10.56 प्लस का 5.50 फिर प्लस करेंगे 1.54 तो 6 और 4 10 एक हासिल, 5 10 15 और 1 9 हो जाएगा 16 एक हासिल, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर 5 और 1 6 और 1 हासिल मिला के 7 और 1 का 1 हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा ये 17.60 सेंटीमीटर। तो 17.60 भी लिख सकते हो, नहीं तो 17.6 भी लिख सकते हो, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा जो लास्ट में हमने तीनों फॉर्मूले को इस्तेमाल करके सॉल्व करें। ठीक है, नमस्ते दोस्तों।